यह प्राचीन शिव मंदिर संगमन के अंदर स्थापित आप देख सकते हैं। यह प्राचीन दीवार इस मंदिर की जिसको गिरा दिया गया है। रामचंद्र की जय। बुद्धिहीन तेनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु माहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धाम, अंजनि पुष्प पवन सुत नाम, महावीर विक्रम गजरंगी कुमित निवार सुमत के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। संजय वन, जैसे ही आप संजय वन इंटरनेट एक्सप्लोरर पर लिखेंगे या गूगल सर्च पर लिखेंगे और एंटर मारेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत सी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ संजय वन के नाम से हॉन्टेड प्लेस की सैकड़ों वीडियो आपको मिलेगी। जबकि इसका जो इतिहास, संजय वन का जो इतिहास, पौराणिक जो कथाएं, पुराना जो प्राचीन इतिहास है, वो बहुत ही सुनहरा इतिहास है। हम आपको संजय वन के विषय में तमाम वो जानकारियां देंगे जो ये साबित करती हैं कि संजय वन को सिर्फ और सिर्फ बदनाम किया गया है, ताकि कुछ साजिशकर्ताओं के द्वारा संजय वन में अवैध निर्माण किया जा सके। तो साथियों, संजय वन के नाम से हम एक सीरीज बनाने जा रहे हैं जिसमें हम आपको वन बाय वन संजय वन का इतिहास, संजय वन क्या था और वर्तमान में क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, पहले इसको किस नाम से पुकारा जाता था, इसकी सारी कहानी आपको बताएंगे और आपको बताएंगे कि किन साजिशकर्ताओं के द्वारा संजय वन को बदनाम किया गया है। साथियों, संजय वन की कहानी, संजय वन का प्राचीन इतिहास शुरू होता है 375 ईस्वी से 415 ईस्वी में। उस समय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राज था और इस शासनकाल को हिंदू का स्वर्णिम काल कहा गया है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे, जिनमें से एक का नाम था वाहरमीर। वाहरमीर को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा एक वैद्यशाला बनाने के लिए मेहरौली में भेजा गया। उस समय इस स्थान का नाम मेहरौली नहीं हुआ करता था। जब वाहरमीर यहाँ पर आकर रहने लगे, उनके साथ उनके कारीगर थे, उनके गणितज्ञ थे, उनके सारे जो उस समय के वैज्ञानिक हम उनको कह सकते हैं वो थे, उनके साथ वो आकर मेहरौली में रहने लगे और इस जगह का नाम उस समय पर मीरावाली पड़ गया। वाहरमीर के द्वारा यहाँ एक वैद्यशाला का निर्माण किया गया जिसे विष्णु स्तंभ के नाम से जाना गया।
विष्णु स्तंभ, जिसे आज हम कुतुब मीनार के नाम से भी जानते हैं। इसका कुतुब मीनार नाम 1192 ईस्वी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब 1206 ईस्वी में दिल्ली पर जब अपना गुलाम वंश का शासन स्थापित किया, उस समय पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस जगह को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। केवल एक कुतुब मीनार को छोड़ दिया गया और उस पर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अपना शिलालेख लगा दिया गया। यह जो इतिहास हम आपको बता रहे हैं, यह आपको विकिपीडिया पर आप इसको ढूंढ सकते हैं, या आपको इतिहास कहीं भी मिल जाएगा। दोस्तों, 731 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद 731 ईस्वी में तोमर वंश का राज दिल्ली पर स्थापित हुआ, जो कि 1050 ईस्वी तक चला। 1050 ईस्वी के बाद तोमर वंश ने इस मिहरावली में अपनी राजधानी को स्थापित किया, जो गन्नौर में थी उसको उठाकर वो यहाँ लेकर आए। तोमर वंश के कार्यकाल में लाल कोट किले का निर्माण किया गया। आज हम आपको ये जो इतिहास बता रहे हैं, ये लाल कोट की दीवार पर खड़े होकर बता रहे हैं। यह वो ऐतिहासिक जगह है जहाँ कभी हिंदू राजाओं का एक लंबा इतिहास रचा गया था। तोमरों के वंश के बाद 1050 के आसपास चौहानों का राज स्थापित दिल्ली पर हुआ। चौहानों का राज स्थापित होने के बाद पृथ्वीराज चौहान के पिता ने इस किले का नाम बदलकर पिथौरागढ़ किला रख दिया और इसका और ज़्यादा विकास किया। साथियों, ये जो संजयवन आज हम देखते हैं, यह संजयवन उसी पिथौरागढ़ किले का हिस्सा है। और यहाँ पर गुलाम वंश का शासन होने के बाद एक शाही कब्रिस्तान भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसे आज हम आशिक अल्लाह दरगाह के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह संजयवन का इतिहास हमने आपको बताया। अब हम आपको इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहते हैं। संजयवन दक्षिणी दिल्ली में स्थित है। यह दक्षिणी दिल्ली लोकसभा का एक हिस्सा है और साउथ वेस्ट दिल्ली में यह पड़ता है। यह क्षेत्र किशनगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। संजयवन के चारों तरफ 8 गांव बसते हैं, जो कि लगभग 1700 ईस्वी से यहाँ लगातार बसे हुए हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ये गांव यहाँ आज तक विद्यमान है। साथियों, जब हम संजयवन की तरफ चलते हैं और जेएनयू की तरफ से जब हम आते हैं, तो अरुणा आसफ अली रोड बेरसराय से आगे कटवारिया सराय के टी पॉइंट से लेकर और किशनगढ़ रेड लाइट तक लेफ्ट हैंड को पूरा का पूरा आपको संजयवन मिलेगा। अगर हम कटवारिया सराय से मुड़ जाएं, बेरसराय से कटवारिया सराय की तरफ मुड़ जाएंगे, तो राइट हैंड में पूरा का पूरा लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का एरिया संजयवन का मिलेगा। संजयवन के आगे सरकार के द्वारा कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया के नाम से एक इंस्टीट्यूशनल एरिया भी बसाया गया है। जब हम अदचिनी गांव पहुंचते हैं, अदचिनी गांव से मेहरोली की तरफ जब हम मुड़ते हैं, तो अदचिनी की रेड लाइट से लेकर और मेहरोली कुतुब मीनार तक लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा संजयवन का हिस्सा पड़ता है। और मेहरोली कुतुब मीनार से लेकर और वापस किशनगढ़ फोर्टिस हॉस्पिटल तक यह संजयवन का क्षेत्र पड़ता है। यह 878 एकड़ के आसपास का वन है, जिसे भारत सरकार के द्वारा संरक्षित किया गया है और DDA को यह जिम्मेवारी दी गई है कि वह इसको पिकनिक हट के रूप में तैयार करें। दोस्तों, अब हम इसके चारों तरफ पड़ने वाले जो गांव हैं, उनके विषय में आपको बताते हैं। अगर हम फोर्टिस से चलें
तो फोर्टिस के पीछे मसूदपुर गांव पड़ता है, उसके आगे जब हम आते हैं कटवारिया सराय की तरफ, बेर सराय की तरफ अरुणा आसफ अली रोड से, तो इसके दूसरे कोने पर बेर सराय गांव पड़ता है। बेर सराय से जब हम अदसिनी और मैरोली की तरफ आते हैं, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया के सामने पूरा कटवारिया सराय पड़ता है। कटवारिया सराय से जब हम सीधे निकलेंगे तो अदचिनी गांव आपको पड़ेगा, जो कि इंस्टीट्यूशनल एरिया से पूरी तरह से संबंधित है। उससे जब आगे हम मैरोली की तरफ चलते हैं, लाड़ो सराय गांव पड़ता है। लाड़ो सराय भी लगभग 17वीं शताब्दी से लगातार संजय वन के पास बसा हुआ है। जब हम लाड़ो सराय से ऊपर निकलकर कुतुब मीनार पर पहुंचते हैं तो आपको मैरोली गांव मिलेगा और मैरोली के साथ में ही किशनगढ़ गांव मिलेगा। ये लगभग 7 गांव संजय वन के चारों तरफ बसे हुए हैं और संजय वन के अंदर मैं आपको बता दूं 3 मंदिर हैं, जिनमें मुख्य मंदिर गुरु गोरखनाथ मंदिर लगभग 35 बीघा जमीन के अंदर स्थापित है और यह आज से नहीं, आज़ादी के समय से भी पहले से स्थापित है। प्राचीन मंदिर है, लगभग 400-500 साल पुराना मंदिर हम इसको मान सकते हैं। इसी के बगल में गुरु गोरखनाथ मढ़ी के नाम से लगभग 8 या 10 बीघे में यह गुरु गोरखनाथ मढ़ी पड़ती है। यहाँ गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा कटवारिया सराय के एक भक्त को दर्शन दिए गए थे, इसीलिए इस स्थान का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद जब हम लाड़ो सराय की तरफ संजय वन में से घूमते हैं, लाड़ो सराय की तरफ आते हैं, तो वहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर भी है। इस शिव मंदिर पर जब से DDA स्थापित हुई, लगभग सैकड़ों बार DDA के कर्मचारियों के द्वारा हमला कर इसके इतिहास को मिटाने का प्रयास किया गया, लेकिन क्षेत्रीय जनता ने आज तक भी अपनी आस्थाओं को जीवित रखते हुए इस मंदिर को कायम रखा है। इसी वन के अंदर आशिक अल्लाह दरगाह के नाम से भी एक दरगाह है, जो कि 1947 के बाद जब वक्फ बोर्ड को कब्रिस्तानों की जगह ट्रांसफ़र की गई थी तो यह 2 एकड़ का एरिया वक्फ बोर्ड को दे दिया गया था, जहां आज आशिक अल्लाह दरगाह स्थापित है। तो साथियों, हमने आपको बताया ये इसका भौगोलिक परिदृश्य संजय वन का। मैं आपको बता दूं यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, उनमें 7 गांव के अंदर जाट बहुल सारे गांव हैं। इसमें मैरोली, लाड़ो सराय और अदचिनी 3 गांव ऐसे हैं जिनमें कुछ मुस्लिम आबादी भी यहाँ की स्थानीय निवासी है। बाकी ब्राह्मण, नाई, हरिजन, वाल्मीकि, बहुत सी जातियों के लोग हिंदू यहाँ रहते हैं, लेकिन मूलतः ये 7 के 7 गांव जाट बहुल गांव हैं और इन सभी गांवों की गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर पर मान्यता है। और यह वन इसीलिए आज तक भी संरक्षित है क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी की ये मान्यता है कि इस वन में से आप एक लकड़ी का तिनका भी नहीं काट सकते। यह बंधन गुरु गोरखनाथ मंदिर की तरफ से इस क्षेत्र को दिया गया है, यही कारण है कि आज तक यह वन संरक्षित का संरक्षित है। साथियों, इन 7 गांवों के अंदर मैं आपको बता दूं, जो जाट समाज है उसके अनेक गोत्र के लोग यहाँ पर रहते हैं। अगर हम मसूदपुर से ही शुरू करें तो मसूदपुर में मलिकों का निवास है। अब हम इधर आते हैं तो बेर सराय में पवारों का निवास है। उसके बाद अब जब हम कटवारिया सराय की तरफ आते हैं तो कटवारिया सराय में मलिक, संसनवाल और कटारिया गोत्र का निवास है। जब हम और आगे बढ़ते हैं अदचिनी गांव की तरफ तो यहाँ सेजवाल निवास करते हैं। इसी प्रकार से लाड़ो सराय गांव में भी सेजवालों का निवास है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैरोली सहरावतों की है, यहाँ सहरावत लोगों की बहुलता है और अधिक प्राचीन समय से ही यहाँ सहरावतों का गढ़ रहा है। 84 सहरावतों की यहाँ पे बोली जाती है और यहाँ 96 जो है वो लाड़ो सराय के पास है जाट समाज की। उसके बाद जब हम किशनगढ़ की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ कई गोत्रों के लोग आपको मिलेंगे, जैसे मान है, गंडास है, महलवाल है, खत्री है और भी अनेक गोत्र हैं जो कि यहाँ जाटों के पाए जाते हैं।
साथियों, आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यह वन गुरु गोरखनाथ जी की तरफ से बंधन के कारण आज तक संरक्षित है। इसी संजय वन के अंदर मैं आपको बता दूं, लगभग 7 में से 5 गांवों की शमशान भूमि भी इसी संजय वन की चारों दिशाओं में स्थापित है। जब हम मेहरौली और किशनगढ़ की बात करते हैं तो मेहरौली और किशनगढ़ की शमशान भूमि मेहरौली के बैक साइड में, किशनगढ़ और मेहरौली के बीच में बैक साइड में संजय वन में स्थित है। जब हम अदसिनी गांव की बात करते हैं तो अदसिनी गांव की शमशान भूमि इंस्टीट्यूशनल एरिया के बिल्कुल बैक साइड में, हम कहें तो किशनगढ़ थाने के बिल्कुल सामने अदसिनी गांव की शमशान भूमि है। इसी प्रकार से कटवारिया सराय की शमशान भूमि भी IIFT के बिल्कुल सामने, इंस्टीट्यूशनल एरिया के बिल्कुल सामने संजय वन में ही स्थापित है, स्थित है। गांव बेरसराय की शमशान भूमि भी अरुणा आसफ अली रोड की तरफ से जब हम जाएंगे तो JNU के गेट के बिल्कुल सामने, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के गेट से थोड़ा आगे चलेंगे बिल्कुल सामने बेरसराय की शमशान भूमि भी संजय वन में ही स्थित है। अगर हम देखें तो संजय वन के साथ इन 7 गांव के निवासियों का जो लगाव है, इस लगाव के कारण ही आज तक ये वन संरक्षित रहा है। दोस्तों, इस जगह को बदनाम करने के लिए साजिशें रची जा रही हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अनैतिक कार्यों के लिए इस वन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन DDA की पाबंदियों और क्षेत्रीय निवासियों की सजगता के कारण वो इस काम को कर नहीं पा रहे हैं। इस विषय में हम आपको और भी जानकारी अगली वीडियो में देंगे। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से, यह हमने आपको एक इंट्रोडक्शन इस जंगल का दिया, इसका इतिहास आपको बताया, इसका भौगोलिक स्थिति आपको बताई, किस प्रकार के लोग इस जंगल के चारों तरफ, इस वन के चारों तरफ रहते हैं, यह हमने आपको बताया। अब अगली जो वीडियो हम आपको देंगे, यह हम आपको पहला भाग आपके लिए लेकर आए हैं। इसके बाद जो भाग हम आपको देंगे, बनाकर देंगे, उसमें आपको दिखाएंगे कि संजय वन में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो देखने के लायक हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार ने, जो DDA ने जनता के लिए बनाई हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। आज इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हुए आपसे विदा लेते हैं। मैं हरनाम सिंह सनसनवाल, कैमरामैन हेमंत गुप्ता के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। आप हमारे कैमरामैन हेमंत गुप्ता जी हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।